आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए और इस बैठक के पहले वंदे मातरम से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 अद्यतन 2014 में संशोधन किया गया। CSR निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन किया गया। अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया। रेल परियोजनाओं से संबंधित मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, मध्य प्रदेश सुधार सेवाएं एवं मंदिरग्रह विधेयक 2024 को विधानसभा में पुनर्स्थापित कर पारित करने का निर्णय लिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण को ग्राम गौरा की भूमि आवंटन का निर्णय के साथ अनेक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट भी था जिसके कारण से भारत का अपना लोकतंत्र बचा भी सही, क्योंकि मरने वाले उसके आपातकाल में खास करके संविधान को बचाने वाली बड़ी संख्या थी, जिसने अपनी पार्टी का खुद का बलिदान दे दिया। जनसंघ ने अपना नाम खोया और जनसंघ के समान और दलों को जोड़ा और जोड़ने के बाद उसकी कठिनाइयों के खिलाफ लगातार जेलें इतनी भरी थी, जेल में जगह नहीं मिली, सारे कष्ट अपने पे सहन करते हुए। और राजनीतिक दल के अलावा भी वो ऐसा दौर था जिसमें कई सारे विचार अलग अलग प्रकार के प्रतिभा संपन्न लोग इंदा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे लोगों में टारगेट कर करके लोकतंत्र जिसके कारण जिंदा रहता वो सारे के सारे समाचार पत्रों पे ताले डाले, अच्छे प्रतिभा संपन्न लोगों के साथ अन्याय करा। ये मैं समझ सकता हूँ कि आज के इस अवसर पर हम सब उस कष्ट को याद करें तो आज भी सेहरा नया सबसे बड़ा लोकतंत्र मजबूत हुआ। आज जो संविधान के हाथ में लेकर दुहाई दे रहे हैं, ये वही सारे जिम्मेदार लोगों को माफी मांगना चाहिए, आज तक माफी भी नहीं मांगी। ये काला पक्ष उनका हुआ है आज वो, और जब से आजादी के बाद से संविधान के अंदर इन सारी चीजों का खास करके लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए आज तक परिवार तंत्र को लेकर चलने को तैयार। और बात लोकतंत्र और संविधान की बात है, प्रधानमंत्री ने अब जो माहौल बनाया कि श्रीवास सरकार बनाने के साथ और लगातार सुव्यवस्था स्थापित की, उनको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए उनके माध्यम से भारत का लोकतंत्र दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है और एक नए रूप में आ रहा है। और यही कारण है कि बगल का पाकिस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र और संविधान की कमियों की क्या हालत हुई दुनिया से छिपी, लेकिन आपने सारे लोगों ने जो 20 साल से भी कम समय में आपातकाल लग गया था, अगर वो टर्निंग पॉइंट याद करो अगर संघर्ष नहीं होता तो भारत का आगे का भविष्य क्या होता, ये बहुत खराब समय। तो मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों के उस अप्रतिम बलिदान को भी याद करता हूँ जो दिवंगत हो गए, उनको हमारी मंत्रिपरिषद की तरफ से भी हम एक दर्शन को श्रद्धांजलि भी देते हैं और उन सबकी सराहना भी करते हैं जिन्होंने इस संघर्ष में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया है। इसके पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा मंत्रिपरिषद की ब्रीफिंग की गई, बैठक की ब्रीफिंग की गई। आइए हम सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा मंत्रिपरिषद की ब्रीफिंग में क्या कहा गया। आइए सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई थी। आज वो लोग संविधान की प्रतियां लेकर पार्लियामेंट में हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं। आज की कैबिनेट की बैठक के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का स्मरण कराते हुए कि उनके परिवार के लोग जेल में चले गए, बिजनेस खत्म हो गए, किसी की माता जी का निधन हो गया, किसी के पिताजी का निधन हो गया, वो अपना कंधा नहीं दे पाए, वो ऐसी परिस्थिति में उन सब के प्रति
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति प्रकट की है और आपातकाल लगाने वालों की निंदा की है। दूसरा, आज लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला जी को एक बार फिर से पार्टी ने फॉर्म भरवाया है, मंत्रिमंडल ने उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहां रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में भवन भी बना दिए, पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि हम कुछ कृषि से संबंधित सहकारी संस्थाएं व एग्रीकल्चर पास आउट नौजवान अब वहां पर सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। सरकार उनके खर्चे जिससे आत्मनिर्भर बन सके लगभग 45-45 टेस्ट हर ब्लॉक में कराएगी और उसका पेमेंट करेगी और बाकी वो अपनी क्षमता से किसानों को समझाकर जितना ज़्यादा सॉइल टेस्ट करा सके उससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और किसानों को अपनी सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट भी सही मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है किसानों के हित में। पूरे ब्लॉक में, सारी 313 ब्लॉक में ये प्रयोगशालाएं काम करेंगी। अभी तक वृक्षारोपण के लिए CSR के माध्यम से 10 हेक्टर जमीन पर ही CSR के माध्यम से पेड़ लगाए जा सकते थे, जिससे कई छोटे दानदाता उसे चूक जाते थे। अब 10 हेक्टर की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया है और कोई अगर 1 हेक्टर 2 हेक्टर में भी प्लांटेशन करना चाहे अपने CSR के माध्यम से तो कर सकेगा, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सैनिक स्कूल हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करती है, पर कई बार चयन में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूल में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे मध्य प्रदेश के चयनित सैनिक स्कूल के विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी मध्य प्रदेश की सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। एक भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल की 100 एकड़ जमीन पहले से ही थी, उनको 1 एकड़ जमीन की और आवश्यकता थी, वो भी आज वापस नाम मात्र शुल्क 1 रुपये भूभाटक पर देने का निर्णय हुआ है। अभी तक रेल की जितनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में बनती थी उसकी मॉनिटरिंग का काम, उनके साथ सहभागिता का काम परिवहन विभाग देखता था, आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ये जवाबदारी अब लोक निर्माण विभाग की होगी। रेल परियोजनाएं जितनी भी मध्य प्रदेश में आएगी उनके समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग करेगा। आज एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई लोग पैरामिलिट्री के लोग मिलिट्री में पुलिस में काम करते करते शहीद हो जाते हैं। साधारणतः परंपरा ये रही है कि जो भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है वह उस मृतक की पत्नी को मिलती थी, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया मंत्रिमंडल के सामने कि क्यों ना हम उनके माँ बाप को भी 50% दें। भारतीय चुनाव आयोग ने तो साधारणतया राजनीतिक दलों को विज्ञापन देने की
प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने की छूट थी। भारत शासन के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार इसमें संशोधन किया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रिंट मीडिया को लोकल बॉडीज के चुनाव में विज्ञापन देने की छूट प्रदान करेगा। सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ पार्षद का ही नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि पार्षद के रूप में अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष का अब गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की खंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा मंत्रालय में नर्सिंग कोर्स वर्ष 2019-20 से वर्ष 22-23 के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन कैलेंडर की बृहद समीक्षा की गई। इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन कर परिणाम जारी किए जाएं। परीक्षाओं के आयोजन से बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पीबीबीएससी वर्ष 2019-20 के लगभग 20,000 छात्र, 20-21 के 30,000 और 21-22 के 10,000 एवं 22-23 के 10,000 छात्र लाभान्वित होंगे। साथ ही जीएनएम एएनएम कोर्स के वर्ष 2020-21 से और 21-22 के 25,000 से अधिक छात्र छात्राओं की मुख्य परीक्षाएं अक्टूबर में ली जाएं। सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षाओं का आयोजन जुलाई माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय के बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में नाबार्ड की बैठक। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। उनके द्वारा समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन की दिशा में बोर्ड को काम करने के निर्देश दिए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री कैलाश सारंग ने कहा कि ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड काम करे। समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास से संवर्धन की दिशा में नाबार्ड आवश्यक कदम उठाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए नंद किशोर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।